Now we read the first stanza. He stalks in his vivid stripes. He किसके लिए यूज किया है यहां पोएट लेस्ली नॉरिस ने? टाइगर के लिए. वैसे हम ही किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए, किसी आदमी के लिए. परंतु यहां पोएट ने जो टाइगर है उसका पर्सोनिफिकेशन किया है, यानी कि मानवीकरण. इसीलिए हम यहां टाइगर्स के लिए किसका यूज कर रहे हैं? ही का. तो ही यहां टाइगर्स के लिए यूज किया गया है, शेर के लिए पर्सोनिफिकेशन किया गया है उसका मानवीकरण. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. हियर द पॉइंट डिस्क्राइब द टाइगर हु इज इन अ यू इन अ केज. He stalks in his vivid stripes. He यानी कि शेर, वो चलता है. कैसे चलता है? In his vivid stripes. Vivid में नहीं, क्या होता है? स्पष्ट, चमकदार धारियां जो उसके शरीर पर, टाइगर के आपने देखे होगा स्टूडेंट्स, धारियां होती हैं. तो अपनी चमकदार धारियों में वो चल रहा है बड़े ही गर्व के साथ पिंजरे में. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और उसके पिंजरे में जो लिमिटेड सी जगह है उसमें वो चल रहा है अपने पिंजरे में यू में. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड में क्या होते हैं? उसके जो पंजे हैं, जो शेर के मखमली पंजे हैं, वहां अपने मखमली पंजों के साथ. वेलवेट में क्या होता है? मखमल. क्वाइट में क्या होता है? शांत. अपने शांत स्वभाव में मखमली पंजों के साथ, मुलायम पंजों के साथ वो अपने पिंजरे में ही घूम रहा है. उसे आजादी नहीं है पिंजरे में, गुलाम है. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब क्या है? गुस्सा, एंगर. क्वाइट मीन शांत. अपने गुस्सा ना दिखाते हुए वो धीरे धीरे अपने मखमली जो उसके पंजे हैं उसके साथ पिंजरे में वो चल रहा है. गुस्सा भी है उसे. एवरीबॉडी लाइक्स फ्रीडम, हर कोई आजादी चाहता है. उसी प्रकार जो टाइगर है वो भी आजादी चाहता है, वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में. नाउ वी रीड थर्ड स्टैंड. ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स His claws terrorizing the blaze. Students, third stanza में the tiger after prey, शिकार के बाद वो कहाँ चला जाएगा? He should be snarling. Snarling का मतलब क्या है? क्या meaning है snarling का? मतलब sound of anger, यानी कि गुस्से की आवाज में. वो जो tiger है, बाघ है, वो गुस्से में घर आता हुआ अपने आप को गुस्से में आवाजें निकालता हुआ कहां चला जाएगा? घरों के चारों ओर चला जाएगा. एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर जो घर हैं लोगों के, वहां पर चला जाएगा वो गुस्से से गुराता हुआ, गुस्से से आवाजें निकालता हुआ वो चला जाएगा घरों के पास. वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टीथ, वेयरिंग मीन्स अनकवर्ड, यानी कि बाहर को निकले हुए अपने बड़े बड़े दांतों के साथ, बाहर को निकले हुए जो उसके दांत हैं उससे अपने बड़े बड़े पंजों के साथ वो वहाँ चला जाएगा जहाँ पर लोगों के घर हैं जंगल के किनारे, वहाँ चला जाएगा. टेरोराइजिंग द ब्लेज, टेरोराइजिंग का मतलब क्या है? कॉजिंग फियर, यानी कि भय पैदा करना, लोगों को डराता हुआ अपने बड़े बड़े दांतों के साथ, अपने बड़े बड़े पंजों के साथ वो वहां चला जाएगा जहां पर लोग रहते हैं और उनको डराएगा, उनके अंदर भय पैदा करेगा अपने नेचुरल हैबिटेट में. स्टूडेंट्स, वंस अगेन द पोएट लेस्ली नॉरिस नरेट्स द टाइगर हु इज इन अ सेल. सेल में क्या क्या होता है? पिंजरा. तो फोर्थ स्टैंजे में भी लेस्ली नॉरिस है जो
वो वाघ का वर्णन कहाँ करेगा? बाघ कहाँ पर है? पिंजरे में बंद है, वो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है। तो फोर्थ स्टेंजे में उसका वर्णन करेगा, पढ़ेंगे इसको। वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेंजे में जो टाइगर है वो लॉक है, बंद है, पिंजरे में बंद है। वट ही इज लॉक्ड, बाघ को बंद कर दिया गया है इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल यानी कि जो सीमेंटेड है, जो बना हुआ सीमेंट का बना हुआ कंक्रीट का पक्का जो सेल है, पिंजरा है, वहां बंद किया हुआ है शेर को चिड़ियाघर में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स, और जो बाघ की, टाइगर की शक्ति है, यहाँ सलाखों के पीछे, बॉर्ड्स में क्या होती है, सलाखें, पिंजरे की जो सलाखें होती हैं उसके पीछे जो शेर की शक्ति है बंद, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उस बंद पिंजरे में अपने आप को वो स्टॉकिंग मैंने क्या होता है, चलना, चलता फिरता वो अपने पिंजरे में ही अपनी जो उसकी शक्ति है उसको वो माप रहा है, देख रहा है अपनी शक्ति को। पिंजरे में बंद है वो, अब हेल्पलेस है वो। अब इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोरिंग का मतलब क्या है, नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान न देना किसी चीज की ओर, इग्नोर कर देना किसी को। तो जो विजिटर आते हैं उसको देखने के लिए, जो लोग आते हैं बाहर से देखने के लिए चिड़ियाघर में टाइगर को, तो वो उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उसे कोई रुचि नहीं है उन विजिटर में, क्योंकि वो अपने आप को गुलाम मान रहा है, गुलाम है वो अपने आप में। अब पिंजरे में बंद है वो, कुछ कर नहीं सकता वो। वो गुस्से से उन सलाखों के पीछे एक छोटे से पिंजरे में घूम रहा है, चल रहा है। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट फिफ्थ स्टेंजर द पोइट लेस्ली नॉरिस डिस्क्राइब द हेल्पलेसनेस ऑफ अ टाइगर। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा जो हमारा, उसमें पोइट है जो लेस्ली नॉरिस, वो एक टाइगर की हेल्पलेसनेस को दिखाएगा कि कैसे एक शेर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता वो। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही टाइगर्स, जो टाइगर है, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को उसे एक आवाज सुनाई देती है टाइगर को। किसकी आवाज है वो? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? गोइंग अराउंड इन द नाइट, यानी कि रात को गश्त करना, चक्कर लगाना। जो जंगली जानवर होते हैं उनको उनके अवैध शिकार के लिए, अवैध शिकारियों से बचाने के लिए उनके शिकार को वो रात को गश्त करते हैं। जो चिड़ियाघर के अधिकारी होते हैं वो रात को गश्त करते हैं जंगली जानवरों की रक्षा के लिए। तो उनकी आवाज़ सुनता है वो शेर, रात को पेट्रोलिंग कार की आवाज़ आती है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मैंने क्या होता है, लुकिंग इंटेंटली, यानी कि टकटकी लगा कर देखना किसी चीज की ओर। और जो वो बाघ है, टाइगर है, वो टकटकी लगा कर देखता है विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों के साथ वो टकटकी लगाकर देखता रहता है। किसको देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों की ओर, स्टार्स की ओर वो टकटकी लगाकर देखता रहता है। हेयर द टाइगर इज हेल्पलेस, जहां पर जो टाइगर है वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता वो अपने आप में जहां गुलामी का एहसास कर रहा है। इन द एंड द पोइट लेस्ली नॉर्स वांट्स टू टेल अस दैट एवरीबॉडी लाइक्स फ्रीडम, कि हर एक को आजादी अच्छी लगती है, चाहे वो आदमी है चाहे वो जंगली जानवर है। स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस फॉर्म एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।